हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप में से काफी व्यूवर्स के हमें मेल्स और कमेंट्स मिल रहे थे और उन्हीं में से एक व्यूवर का ये कमेंट था कि सर, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अक्सर होने वाला वाइट डिस्चार्ज कितना सही होता है, क्या ये किसी प्रकार के वेजाइनल इन्फेक्शन या फिर प्रेगनेंसी का साइन तो नहीं है। तो हमने सोचा कि आप में से काफी सारे यूथ्स और यंगस्टर्स के ये क्यूरी होंगे, उनके मन में भी इस बात को लेकर डाउट्स रहते होंगे, तो इसीलिए आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्सर फिजिकल रिलेशन बनाने के तुरंत बाद या फिर फिजिकल रिलेशन बनाने के अगले रोज फीमेल्स में होने वाला वाइट डिस्चार्ज कितना सही है, क्या ये किसी प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन है या फिर कोई सीवर प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल सिम्टम्स होता है, क्या ये प्रेगनेंसी का साइन है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बगल में बन रहे बेल के निशान पर भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। तो अब चलते हैं हम आज की टॉपिक पे। तो मैं बता दूं कि हर फीमेल्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और उनका ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होने के बाद, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन के लिए कब तैयार होता है। तो मैं बता दूं कि फीमेल्स में फर्स्ट पीरियड आने के बाद यानी प्यूबर्टी पीरियड के बाद और आखिरी पीरियड आने से पहले यानी कि मेनोपॉज तक वाइट डिस्चार्ज आना बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने के तुरंत बाद या फिर अगले रोज वाइट डिस्चार्ज होना कितना सही होता है। तो मैं बता दूं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफी सारे मांसपेशियों और ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं में से एक ग्लैंड होता है बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के वेजाइना के दोनों ही साइड में होते हैं और जब भी ये बार्थोलिन ग्लैंड एक्टिव होता है तो ये म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस यानी कि लिक्विड, और ये म्यूकस फीमेल वेजाइना को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये म्यूकस यानी लिक्विड फीमेल्स के वेजाइना को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है और साथ ही साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड अक्सर फोर प्ले के बाद या फिर ज्यादा एक्साइटमेंट के बाद एक्टिव हो जाता है और जब भी एक फीमेल फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उस वक्त उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं और इसी की वजह से बार्थोलिन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया म्यूकस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ जाने से एक लुब्रिकेंट रिलीज होता है और इसी को फीमेल्स वाइट डिस्चार्ज बोलती हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इससे किसी भी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद होने वाला वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल कलर का होता है जिसमें किसी भी प्रकार के ऑर्डर या फ्रेग्रेंस नहीं होती है और कई बार ये वाइट डिस्चार्ज फिजिकल रिलेशन बनाने के अगले रोज भी हो सकती है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है और ये बार्थोलिन ग्लैंड एक्टिव होता है और ये बार्थोलिन ग्लैंड एक्साइटमेंट की वजह से भी एक्टिव हो सकता है। इस वजह से भी फिजिकल रिलेशन बनाने के अगले रोज कभी कभी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं और ये कहीं से भी प्रेगनेंसी या फिर किसी भी प्रकार के प्रेगनेंसी के साइंस को नहीं दर्शाता है क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में होने वाले ओवुलेशन का सिम्टम्स अलग दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके वाइट डिस्चार्ज के साथ बदबूदार स्मेल आती हो या फिर आपके वेजाइनल एरियाज में या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इचिंग या बर्निंग सेंसेशन होती हो तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आपके वेजाइना से भी थिक कर्डी डिस्चार्ज हो रहे हो, उनमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, इचिंग्स हो रहा हो तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये कैंडिडा इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको कैंडिडियासिस बोलते हैं। अगर आप में भी इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हमारे चैनल पे कैंडिडियासिस के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोज हैं, एक वीडियो इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में है, तो मैं इन दोनों ही वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप अपने लैंग्वेज प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों ही वीडियोस में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, आज की वीडियो से आपके मन की सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बगल में बन रहे बेल के निशान पर जरूर प्रेस करें क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके।